दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली में बेटे के साथ खड़ी महिला पर फेंका तेजाब। राजधानी दिल्ली के भरत नगर इलाके में बेटे के साथ खड़ी महिला पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया है। तेजाब के कुछ छींटे उसके बेटे पर भी पड़ गए हैं, जिससे घायल मां बेटे का इलाज चल रहा है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को भारत नगर इलाके में अपने मासूम बेटे के साथ खड़ी 37 वर्ष की महिला अज्ञात बदमाशों के तेजाब फेंक कर वह जख्मी हो गई है। इसी दौरान तेजाब के कुछ छींटे उसके छोटे बेटे पर भी पड़ गई है और दोनों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फिलहाल इस तेजाब हमले के लिए पीछे छुपे हुए लोगों को तलाश कर रही है। 3 महीने पहले भी स्कूल की छात्रा पर हुआ था ऐसा एसिड अटैक। दिल्ली में किसी मैया या लड़की पर वह तेजाब फेंकने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बीते साल 14 दिसंबर को भी उत्तम नगर इलाके में वह मोहन गार्डन इलाके में वह बाइक सवार लोगों ने युवकों ने 12वीं की छात्रा लड़कियों पर भी और वह 17 साल की लड़की थी जिस पे तेजाब फेंक कर उस पर हमला कर दिया था। इस हमले में छात्रा बुरी तरह से झुलस गई थी। हालांकि वारदात के महज कुछ घंटे के बाद ही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था और सफलता हासिल की थी। पुलिस से जांच के खुलासा हुआ था कि आरोपी ने आगरा की एक कंपनी में फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन तेजाब मंगवाया हुआ था और उसके बाद इस कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया था। बता दें कि इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोजन के एक ऑनलाइन तेजाब बेचने को लेकर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जैसी कंपनियों को एक नोटिस भी भेजा है ताकि वह वहाँ से तेजाब ना बेच सके। मंदबुद्धि नाबालिग लड़की से पड़ोसी ने किया रेप, घर वालों रह गए हैरान। उत्तर प्रदेश के शामिल जनपद में एक नाबालिग मंदबुद्धि बच्ची के साथ अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति द्वारा रेप किए जाने की घटना सामने आई है। आए जाते पूरी घटना। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है और एक गांव में हुई है और पीड़ित बच्ची को मौत पर ही यह छेड़छाड़ कर आरोपी वहां से फरार भी हो गया है। पीड़ित परिवार का दावा है कि लड़की के 3 महीने गर्भवती होने के बाद उसको यह पूरी घटना के बारे में जानकारी मिली है और उनका यह भी आरोप है कि कोतवाली पुलिस इस 4 दिन तक उन्हें उधर से इधर घुमा रही है और कार्यवाही नहीं कर रही है। पीड़ित लड़की का पड़ोस में आना जाना रहता था और पड़ोस के ही रहने वाला एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है। घटना का खुलासा बच्चे के गर्भवती होने के बाद खुला है। बेटी का पेट में दर्द की शिकायत पर मां ने उसे अस्पताल लेकर गई और वहां डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे गर्भवती बताया। पीड़िता परिवार का दावा है कि उन्होंने पुलिस में मामले की तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। इसके बाद महिला कांस्टेबल ने उनकी और लड़की का एक मेडिकल परीक्षण करवाया है और जिसके हजारों रुपए का एक सामान भी मंगवाया है और मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस की पीड़िता को लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेज दिया गया है और आगे कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आरोपी अभी भी पुलिस को पकड़ नहीं पाए हैं। इस मामले में एएसपी श्यामली अभिषेक का कहना है कि सदर कोतवाली क्षेत्र की एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला संज्ञात हुआ है और पुलिस ने मामला दर्ज करा है और वह पीड़िता को मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि यह पहली घटना नहीं है कि जब किसी मंदबुद्धि लड़की के साथ ऐसा हेवानियत हुई है। पहले भी मानसिक रूप से बीमार होने के या शारीरिक रूप से बीमार होने के कारण उनका फायदा उठाने की घटनाएं भी काफी सामने आई है। धनबाद आदिवासी किशोरी से 3 दिनों से हो रहा था दुष्कर्म, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप, ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। नाबालिग से लेकर बुजुर्गों अब तो बेजुबान जानवरों पर भी ऐसा दरिंदगी अपनाई जाती है। रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इसका शिकार होता जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे ही रहते हैं या फिर पास का ही कोई हैवानत की सारी हदें पार कर लेता है। ऐसे ही एक खबर सामने आई है, आपको बताते चलते हैं मैथन ओपी के। तो आइए जानते खबर पूरी विस्तार से। मैथन ओपी के कोकाडीह क्षेत्र के आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में CWC ने अज्ञात लिया है और CWC के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने और उनकी टीम ने पीड़ित किशोरी से पूछताछ भी की है। बताया गया है कि पीड़ित 6ठी कक्षा में पढ़ती हुई है और उसकी मां नहीं है और वह जामताड़ा के उसकी मां की मृत्यु हो गई थी,
जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और तब से वह नानी के पास ही रहती है और 3 दिनों से वह उनके साथ दुष्कर्म भी हो रहा था। आरोपी ने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया है और मुखर्जी ने बताया है कि किशोरी को कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। 3 को भेजा गया जेल में और किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में 3 आरोपी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 3 से 2 आरोपी बालिग है और 1 आरोपी नाबालिग है और इसे जूनियर कोर्ट में भी भेजा गया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भी धनबाद भेजा हुआ है। और एक शिक्षक की पत्नी से दुष्कर्म करने के आरोप में शिक्षक निर्वा व निवासी जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे दुष्कर्म की घटनाएं काफी हो रही है और कम होने का नाम नहीं ले रहे। साक्ष्य में आभार पूरी करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 दशमत नीरज कुमार विश्वकर्मा ने कोर्ट में यह मामला भी चल रहा था और आरोपी शिक्षक तकरीबन के एक विद्यालय का एक कालीमाटी का रहने वाला है और वह आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने महिला थाना धनबाद में 3 मार्च 2020 को यौन शोषण की प्राथमिकी दर्ज करवाई है और कहा जा रहा है कि आरोपी शिक्षक ने उसे पहले जान पहचान बनाई और इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण किया और अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था और तथा कोर्ट में भी अभियोजन पक्ष की ओर से वह कुल 4 गवाहों को भी गठन कर दिया गया है और कार्यवाही चल रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चल रहा है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।